नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का सवाल है. क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशन मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन वी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू बीटा एक्स टू द पावर माइनस टू एन वेयर बीटा एंड एन आर कॉन्स्टेंट एक्स इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल. सवाल ये एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स विल बी और चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं. अगेन बहुत सिंपल सवाल है. इसको हम देखेंगे तो वेलोसिटी जो अपने को दे रखी है वो एक्स का फंक्शन दे रखा है दैट इज बीटा एक्स टू द पावर माइनस टू एन. ये अपने को वेलोसिटी दे रखी है. एक्सेलेरेशन बताना है. ऑलराइट, अपने को पता है एक्सेलेरेशन को हम लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एक्स. यहाँ पे डी टी का कोई रोल नहीं आएगा बिकॉज यहाँ टाइम का कोई भी फंक्शन नहीं है. तो एक्सेलेरेशन ये हो जाएगा आपका. सो ये हो जाएगा तो पहले तो वी की वैल्यू लिखी जाएगी वो होएगा बीटा एक्स टू द पावर माइनस टू एन. ये तो वी आ गया आपका. उसके बाद हमने लिखना है डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू लिखनी है यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है. इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा बीटा. ये तो ऐसा कैसा होएगा एक्स टू द पावर माइनस टू एन है सो ये मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू एन यहाँ आ जाएगा एक्स टू द पावर माइनस टू एन माइनस वन ये बन जाएगा ना. इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी बीटा बीटा ये मिला के तो हुआ बीटा स्क्वायर. ये माइनस टू एन है माइनस टू एन मल्टीप्लाई हो रहा है ये मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर माइनस ये हो गया माइनस टू एन माइनस टू एन माइनस वन यानी कि आपकी एक्स की फाइनल वैल्यू आ गई माइनस टू बीटा स्क्वायर एन एक्स टू द पावर माइनस फोर एन माइनस वन. ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर.